तो रमन जरा हमें ये बताइएगा, कोर्ट ने तो साफ टिप्पणी की है कि उनके पास कोई वजह ही नहीं है कि राहुल की सजा पर रोक लगे। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की तरफ से कोई वजह दी भी नहीं गई है। कांग्रेस मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अभी पिछले कुछ दिनों पहले तक देख रहे थे, अभी हालांकि आक्रामक हुई है पार्टी, लेकिन इस मामले में भी, पर्टिकुलर अगर हम इस केस के मामले में भी बात करें, तो बहुत सीरियसली इस केस को लड़ा भी नहीं जा रहा है। कोई वजह दी भी नहीं गई है, कोई सॉलिड रीजन। देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि इस केस में राहुल गांधी की तरफ से बहुत सीरियसली नहीं लड़ा गया, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जो कि बड़े वकील हैं उनकी पेशी थी, और राहुल गांधी की तरफ से जो तमाम वकीलों की टीम है उन्होंने दलील दी राहुल गांधी के समर्थन में, लेकिन कोर्ट की तरफ से उनकी दलील को नहीं माना गया। जो मैक्सिमम सजा का प्रावधान है, मैक्सिमम सजा दी गई राहुल गांधी को, उस पर आपत्ति वकीलों को थी कि इतनी मैक्सिमम सजा देने का कोई औचित्य इसलिए नहीं है कि राहुल गांधी ने एक जनसभा में एक बातें कही थी जिस बातों को आधार बनाकर उनके खिलाफ मामला दायर किया गया, कोर्ट में मामला दायर किया गया और कोर्ट ने उन्हें मैक्सिमम सजा दी, और मैक्सिमम सजा देने के चलते उनकी संसद सदस्यता रद्द हुई, और अभी अगर ये सजा बरकरार रहती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी तो उन्हें 8 साल तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंध रहेगा, यानी कि वो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, 2 साल सजा और 6 साल चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध रहेगा, यानी 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो राहुल गांधी को इसका काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, और अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है राहुल गांधी को तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए समझिए कि एक बड़ा झटका है आज का जजमेंट। जी रमन, ये भी बताइएगा जरा, देखिए कल क्या होने वाला है हमें नहीं मालूम, लेकिन क्या हो सकता है उस पर हम जरूर चर्चा कर सकते हैं। मान लीजिए अगर उनकी सांसदी बहाल नहीं होती है तो पार्टी का क्या होगा, चुनाव में क्या होगा, वायनाड का क्या होगा? बिल्कुल, अब ये ऑप्शन रहेगा कि अगर राहुल गांधी की संसद सदस्यता बरकरार नहीं रहती है, राहुल गांधी को जो सजा मिली है अहमदाबाद हाईकोर्ट की तरफ से, उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है तो वायनाड में चुनाव कराना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग भी इसी बात का इंतजार कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आएगा उस फैसले के आधार पर वो वायनाड में चुनाव कराएगा, या लोकसभा चुनाव जो आने वाले समय में होने वाला है उसके साथ वायनाड लोकसभा का चुनाव कराया जाए, इस पर भी चुनाव आयोग को निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन एक बात ये चल रही है कि अगर राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है तो राहुल गांधी के परिवार से ही कोई व्यक्ति वायनाड से चुनाव लड़े, और उसमें प्रियंका गांधी का नाम बहुत तेजी से सामने आ रहा है कि प्रियंका गांधी वायनाड का प्रतिनिधित्व करें, क्योंकि ऐसे समय वायनाड ने राहुल गांधी को राहत दी जब अमेठी से वो चुनाव हार गए, और वायनाड ने राहुल गांधी को सांसद बनाया, और सांसद बनने के बाद से लगातार वो केंद्र सरकार पर आक्रमण करते रहे, संसद के अंदर आक्रमण करते रहे, नरेंद्र मोदी पर आक्रमण करते रहे, और वायनाड के लोगों को जस्टिस किस तरीके से मिलेगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक उनका कोई सांसद नहीं है और वायनाड के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इसके चलते। जी जी रमन, प्रभाकर, अगर हम चुनावी सभाओं की बात करें, भाषणों की बात करें, भाषण देते देते माननीय पता नहीं कब कौन कौन सी मर्यादाएं लांघ जाते हैं, कितने पर्सनल अटैक किए जाते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां कर जाती है, तो क्या अब जब भी जनसभा को संबोधित करेंगे किसी भी पार्टी के माननीय, किसी भी पार्टी के बड़े नेता, तो क्या उन्हें जुबानी तौर पर संभलना है? ये कड़ा संदेश भी दिया जा रहा है अदालतों की तरफ से।